नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। शक्ति सिंह गोहिल आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर उन्होंने सदाकत आश्रम में कार्यक्रम को संबोधित भी किया है और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के एक नए ऐलान पर जोरदार प्रहार किया है। नीतीश कुमार ने दलितों को लिए जो बड़ा ऐलान किया है कि अगर किसी दलित की हत्या होती है तो उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस बयान पर और इस ऐलान पर शक्ति सिंह गोहिल जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन पर जोरदार प्रहार किया है। आप सुनिए शक्ति सिंह गोहिल क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव का समय है, क्या देखते हैं? देखिए, अगर कुछ करना होता है तो जब आप शासन में आओ तब घोषणा करो और उसे परिपूर्ण करो। आपका शासन जब डूबने भी नहीं आया है, शासन खत्म हो रहा है, बस आचार संहिता लग जाएगी, काम तो कुछ होना नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ठगने वाली जो भी बातें भाजपा या जेडीयू करेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। देख लिया बिहार की जनता ने, चुनाव के वक्त कहा था कि बाढ़ तो इतिहास बन जाएगा मित्रों, अब बिहार में बाढ़ नहीं आएगी। क्या हुआ? कितना दूं? 60,000 करोड़, 80,000 करोड़, लो 1,25,000 करोड़ दे दिए। हुआ क्या? मिला एक पैसा भी बिहार को। बिहार के श्रमिक परेशान, किसान दुखी, युवा को रोजगार नहीं, बड़ी बहुत समस्याएं हैं। तो ऐसी अब डूबती नैया कोई कितनी भी बड़ी बात कर देंगे, ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है, दिमागी तेज जनता है, यहाँ का आवाम उनके झांसे में नहीं आए। तो आपने सुना, शक्ति सिंह गोहिल ने सीधे तौर पे कह दिया कि ये सब सिर्फ राजनीतिक ऐलान है, इससे कोई भी जन सरोकार से जुड़ा हुआ कोई भी मामला नहीं है, बस राजनीतिक ऐलान है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ गया है तो अब ऐलान किया जा रहा है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।